हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गाइज। आज आप सभी के लिए डीएससी का यानी डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का आज डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके बारे में आज बताने वाले हैं। डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है और डाटा स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सीएस और आईटी के स्टूडेंट हैं उन सभी का है। बाकी बात यदि अगर आप अदर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपका उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले। पहले आज हम लोग समझेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं और डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। डाटा स्ट्रक्चर आपने यदि पढ़ लिया तो उसी के बेस पे सारा का सारा आपका जितना भी डीएससी है सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम ऐसे ही बता दें कि डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका प्रिमिटिव हो गया, दूसरा हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। पहला क्या होता है हमने प्रिमिटिव और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव। अब देखिए जो प्रिमिटिव है उसके अंतर्गत में चार प्रकार के आते हैं और अगर नॉन प्रिमिटिव के बात करें तो उसमें हम लोग दो प्रकार के सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके जैसे लीनियर हो गए तो लीनियर के भी कुछ पार्ट हैं और नॉन लीनियर के भी कुछ पार्ट हैं, ठीक है। तो गाइज इसी के बारे में जितने ये पार्ट हैं इसी के बारे में पूरा आपका जितना डीएससी का बुक है सारा का सारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही आज उसकी जो बेसिक है वो आज आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो आपका शुरू से, ठीक है। तो गाइस आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो आप लोग शुरू से क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट तक आप सभी को पढ़ाते रहेंगे इसी तरह। तो गाइस चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ आप सभी को एक एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ बताने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ ये प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और जो चीज़ समझ में ना आए फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फ्री कास्ट वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आज का टॉपिक बता ही दिया है कि आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के बारे में सिंपली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका डीएससी में ये शुरू चैप्टर जो है उसी का यहाँ से आपका बनता है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का बेसिकली यूज क्यों करते हैं, क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसके जो भाग हैं या कह सकते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ने हैं वो सारे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए डाटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर क्या करने के लिए, किसी भी कोई भी हमारे पास जो डेटा होते हैं उसको स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जैसे कि एक डेटा है, किसी प्रकार का डेटा है, ठीक है, तो उसको कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे या फिर कह सकते हैं कि व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, यही करने का जो तरीका होता है वो डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत में आते हैं, जिससे कि हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किसी उसके बाद में किसी समय आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, समझ गए आप सभी लोग, समझ गए होंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गाइस ये मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहते हैं। सबसे पहले कि जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर सी और जो सी प्लस प्लस जो अभी आपने लैंग्वेज पिछले क्लास में पढ़े थे, सी प्लस प्लस जावा की तरह कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, है क्या, तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, उसका एक सेट होता है, क्या होता है, एल्गोरिदम का एक सेट होता है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा के स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारा सी और सी प्लस प्लस और जावा की तरह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, यह एल्गोरिदम का एक सेट है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ से क्लियर कर लिए होंगे। आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम का एक मुख्य भाग होता है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग डाटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस जो होती है उसकी क्या होती है, बहुत ही बेहतर करने में आसान होती है या कह सकते हैं कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है सिंपली आप सभी लोग फटाफट से समझ ही गए होंगे कि क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो हमको क्या करता है, सबसे पहला कि हम लोग को कोई भी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर तथा व्यवस्थित करता है, ठीक है, जिसको हम
किसी भी तरह से, जिससे कि आसानी से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और हमने पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो C++ और जावा की तरह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक एल्गोरिदम का क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपका डाटा स्ट्रक्चर में जो चीज़ था वो हमने बता दिए। शॉर्टकट में बोले तो किसी एक व्यवस्थित का तार्किक के अथवा अंकगणितीय प्रारूप, मतलब जो प्रारूप होता है वही क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा है कुछ इस तरह से बनते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम सारे के सारे अभी दिखा दे रहे हैं आप सभी को, और यही आपके पूरे चैप्टर में है। तो देखिए डाटा स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ पे दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो प्रिमिटिव और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। इसके बारे में भी प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसके पूरे जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप समझ लीजिए, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 से 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि डाटा स्ट्रक्चर बताइए, डाटा स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बारे में कुछ लिखें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा दो टाइप के देखने को मिलता है, सबसे पहले पहला क्या है, प्रिमिटिव, दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो प्रिमिटिव की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट और डबल पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग भी है बट यहाँ पे हम लोग को शायद DSC में नहीं पढ़ाया जाता, तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मेन क्या क्या हम लोग को याद रखना है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट और डबल, ठीक है। फिर देन हम लोग नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग 2 टाइप के पढ़ते हैं, पहला क्या पढ़ेंगे, लीनियर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नॉन लीनियर, ठीक है। अब देखिए लीनियर जो है हमारा यही आपके चैप्टर में है, ठीक है। जो नॉन प्रिमिटिव है यही आपके चैप्टर वाइज चैप्टर है। जैसे कि हम लोग लीनियर की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका पहला है एरे, ठीक है। तो जो गाइज एरे है ये पूरा आपका एक चैप्टर है, एरे जो है आपका ये पूरा एक चैप्टर है, जैसे कि एरे हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब आपका चैप्टर वाइज है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताया जाएगा कि एरे क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपली भाषा में बोले तो एरे एक ही टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो एरे के अंतर्गत में हम लोग डायमेंशनल पढ़ते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो इस टाइप जब प्रोग्रामिंग हम बताएंगे तो उसमें आप सभी को इसको बता देंगे कि एरे क्या होता है, ठीक है। इसकी एक एक हम लोग एरे क्या होता है पढ़ेंगे, क्यू क्या होते हैं पढ़ेंगे, स्टैक क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, इसका पूरा चैप्टर है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सभी को ये है कि आप लोग डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये सब याद रखे जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन लीनियर में, ठीक है। तो नॉन लीनियर में हम लोग को 2 टाइप के पढ़ना होता है, एक ट्री पढ़ना होता है, एक ग्राफ पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से हम लोग को पढ़ना है, ये भी आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ट्री और ग्राफ अलग अलग चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बात ये सारे के इंपॉर्टेंट आपके है ही। तो ये आपके चैप्टर हैं कौन कौन से, एरे हो गया, क्यू हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गई, ट्री और ग्राफ, ये सब आपके चैप्टर हैं इतने, जो कि एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब कि एरे क्या होते हैं, इसके बारे में जो डिफिनेशन है एक एक के बारे में डिफिनेशन पढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे से, जो कि इसका पूरा चैप्टर है, क्या क्या इसके एल्गोरिदम है, ये पूरे के पूरे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसको, इससे फ़ायदा क्या है, अगर इसको आपने स्ट्रक्चर को याद रखा है तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का एक लाइन आंसर लिख सकते हैं आराम से। जैसे कि पूछ दिया जाए कि आपको ट्री, व्हाट इज़ अ ट्री, तो आप यहाँ से सबसे पहले कहेंगे कि जो ट्री हमारा है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो नॉन प्रिमिटिव में शामिल होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर में ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव में शामिल होता है, जिसको हम लोग ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग एक डिफिनेशन अपना, एक लाइन जो होता है उसको बना सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग कोई भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, सिंपली याद कर लेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंतर्गत में 4 आप लोग को याद रखना है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल। इसके जो इंटीजर, करेक्ट, फ्लोट और डबल हैं, इन्हीं के पे प्रोग्राम वगैरह बनता है। लीनियर की बात करें हम लोग तो इसमें 4 प्रकार के पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, एरे, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट, ठीक है। और नॉन लीनियर की बात करें तो हम लोग ट्री और ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आई होप गाइज कि आप समझ गए होंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारे के आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब इनकी डिफिनेशन की बात रही है, प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को, तो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।